नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बरदारी तकरीब की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हलफ बरदारी तकरीब में 7 से 8 हजार लोगों की शिरकत मुतवक्के है। पड़ोसी ममालिक के सरबराहान और इंडियन ओशियन खित्ते के सरबराहों को भी हलफ बरदारी तकरीब में मधु किया गया है। श्रीलंका के सदर रानियल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर मोहम्मद मुईज, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना, मॉरिशस के वजीर आजम प्रविंद कुमार, नेपाल के वजीर आजम पुष्पा कमल, भूटान के वजीर आजम सीरंग समेत दीगर मौजूद सरबराहान की हलफ बरदारी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। हलफ बरदारी तकरीब के बाद सदर जमहूरिया की जानिब से दी जाने वाली जियाफत में मेहमान शिरकत करेंगे। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई हैं। वाले 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और जो मेहमान बाहर के देशों से आएंगे, मसलन राष्ट्राध्यक्ष, उनके लिए भी खास तरीके के पोस्टर तैयार किए गए हैं। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइज़ू, उनके स्वागत के लिए ये पोस्टर तैयार किया गया। उसमें देखिए लिखा है, भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऑनरेबल मोहम्मद मोइज़ू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। इसी तरीके के पोस्टर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगाए गए हैं और कुल मिलाकर यही कोशिश की जा रही, जो गेस्ट आएंगे उनको यह अनुभव हो कि भारत में आए हैं और भारत के लिए उनका जो स्वागत है बहुत बेहतर तरीके से होगा। देखिए अगर हम उधर तस्वीर पे नजर डालें तो यहाँ उस जगह पर भी अगर हम जूम इन करके देखें तो यहाँ वहाँ भी इस तरीके के खास पोस्टर लगाए गए हैं जो जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरीके से तैयार है और देश से तो लोगों को बुलाया ही गया है, विदेश से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एक अब इमेज देने की कोशिश की जाएगी, एक छवि देने की कोशिश की जाएगी कि भारत अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए है तैयार।